बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल 4 के चौरंगी के साथ, जो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है वहाँ पर मौजूद हैं। इनके बिल्डर इरफान भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं। जब कोरोना में हमने काम शुरू किया अस्पताल बनाने खड़े हुए, उस वक्त भी इन्होंने बहुत बड़ी रकम दी कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, और वो अस्पताल बना और आज वहाँ पर मुफ्त में इलाज हो रहा है कोरोना के मरीज़ों का। और इस वक्त जो कोरोना की पोजीशन बन रही है वो भी कोई अच्छी नहीं है, और अल्लाह ताला बेहतरी लेकर आए उसके अंदर। उसके बाद जो कोरोना के मरीजों के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन थी वो भी इनकी जानिब से दी गई। इस वक्त मेन शहर के अंदर इन्होंने हमारा ओल्ड एज होम चूँकि भर चुका था, यतीम खाना में मजीद बनाना था, वो जगह फुल हो गई थी। तो इरफान भाई साहब की जानिब से नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में 500 गज का ये प्लॉट दिया गया। आप देख सकते हैं जगह कितनी खूबसूरत है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, शहर के बीचों बीच है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। इरफान भाई, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को या आपके अपनी जो बिल्डर्स बरादरी है उनको या दीगर लोगों को, क्या मैसेज देंगे सर? बस मेरा ये मैसेज है कि ऐसे कामों में और मज़ीद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, बिल्डर्स को आना चाहिए और लोगों की खिदमत के लिए मज़ीद जितना भी हो सके काम करना चाहिए। JDC भी कर रहा है काम, तो माशाल्लाह सैलानी का दस्तरखान भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। बस तो इंशाल्लाह इसको मिलकर हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला इस खैर में सबको भरपूर हिस्सा देने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मैं अब देखने वालों को बताना चाहूँगा कि देखें यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ तो कोई इनकी मार्केटिंग नहीं हो रही, इनका प्रोजेक्ट बिक चुका है सारा, यहाँ पर कोई इनके पास ज़मीन नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये इन्होंने हमारे लिए एक प्लॉट निकाला है और इसके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा आगे बढ़िए अपनी जानब से, अपने मरूमिन की जानब से। इनशाला हम इरफान भाई परसों तक नक्शा आ जाएगा ना स्क्रीन पर, हम इनशाला 2 दिन बाद यहाँ पर बाकायदा कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर रहे हैं। हम 500 गज पर बना रहे हैं जिसके अंदर गार्डन भी होगा, बुजुर्गों का अलग पोर्शन होगा, यतीम बच्चों का अलग पोर्शन होगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे यतीम बच्चों का पोर्शन है वो 3rd फ्लोर पर था, तो अब हम इसको यहाँ नीचे लेकर आएंगे। और जो मजीद हमने इस वक्त रोका हुआ है कराची से या जो भी हमारे पास बुजुर्ग आ रहे हैं जिनके बच्चों ने उनको घरों से निकाल दिया है, बीमार है, उनके लिए जगह बन पाएगी इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो 6 महीने के अंदर इसका एक हम इसको पूरा तामीर करके मुकम्मल करेंगे। आप हमारा साथ दें, आप सरिया भी दे सकते हैं, सीमेंट भी दे सकते हैं, किसी भी मद में हमारा साथ दें, हम इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो 3 दिन बाद आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आगाज़ करते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करें, हमारा साथ भी दें। बहुत शुक्रिया।